उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है, 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है, एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हरेक जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे, और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है, कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।